چلی بسم الله الرحمن الرحیم. Radial. यहां से हम खोलेंगे एडोब ब्रिज, अगर इन्होंने इंस्टॉल किया होगा तो, और इन्होंने इंस्टॉल कद्दू किया है. नहीं, प्रीसेट्स लगाने के लिए नहीं होता, प्रीसेट्स को देखने के लिए होता है. अब यहां इसमें तो कुछ बने नहीं, वो तो कहाँ पे कॉपी किया है देखना पड़ेगा ना. उसके अंदर भी आगे किया है, खा लेना चाहिए इसको. बंद करके खोला था सॉफ्टवेयर है, प्रीसेट सभी ले आना नेक्स्ट टाइम. यहाँ असल में ब्रिज होता ना, तो फिर मैं ब्रिज के अंदर मैं आपको ये खोल के दिखा देता, ये जो प्रीसेट्स आ रहे हैं इसमें से कौन सा प्रीसेट किस तरह का इफेक्ट करेगा वो आपको नज़र आ जाता उसमें, ताकि फिर आपको जो है वहीं से देख के नाम यहाँ से उसको उठा के लगा देते. अब आपको क्या है, अब यहाँ से आपने कोई भी एक उठाना है और इसको ऊपर ला के एक एक करके लगाना पड़ेगा. ठीक है, एक सॉफ्टवेयर इसके लिए एक और आता है, प्लगइन आता है बाउंस के नाम से, टेक्स्ट बाउंस, उसमें टेक्स्ट के प्रीसेट्स वगैरह इफेक्ट्स वगैरह डाला है. वही बात है कि ये आपको एक एक करके चेक करने पड़ेंगे. एनिमेट इसमें आप लव्स पर वर्ड लिख सकते हो. ठीक है, टाइप राइटर नाम के साथ ही चीजें बहुत सारी. ये सही है ना, इसमें आके आपने अगर
यू लगाया, इसको आप ठीक है ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है ये तो आप खंगालते हैं ना, इसमें सारे तो मैं नहीं बता रहा, मैंने से भी बताना था आपको ये चीज़ है। बाकी इसके अंदर में आपके पास ऑप्शन ही होता है कि अगर आप इस टेक्स्ट पे आते हैं और यहाँ से आप एनिमेशन पे आते हैं, तो कस्टम एनिमेशन अगर आपने बनानी है आपने क्या लेना है यहाँ से प्रॉपर्टी आप वो बताओगे। पोजिशन ले लीजिए सर, ठीक है ये लगा दिए। प्रीसेट बनाना है अपना, रेंज सेलेक्टर, ये सारी चीज़ दी हुई। पोजीशन को आपने दिया ये, ठीक है यहाँ से ये हो गई पोजीशन टू सेट। तो इसमें जिस तरह के आप इसमें जैसा ऑफसेट करना चाहोगे, जिस तरीके से करना चाहोगे, उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है अभी यहाँ ये लगा हुआ था, साथ में आपने लगा दी प्रॉपर्टी रोटेट। समझ में आई बात? तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज रखते हैं, यहाँ से सेलेक्टर है आपके पास, रेंज लगानी है आपने या विगल लगाना है। विगल बेसिकली शेगी होता है, या एक्सप्रेशन लगाना है। एक्सप्रेशन का मतलब ये होगा कि फिर आपको जो आपको बताया था ना ऑल्ट क्लिक करके, वो फिर एक्सप्रेशन वाली प्रॉपर्टीज या स्क्रिप्टिंग आप लिखना चाहें तो फिर आप एक्सप्रेशन लगा सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज सिंपल सा काम करते हैं भाई, यहाँ पर आए हुए हैं आप, यहाँ से आप प्रॉपर्टीज करते हैं, ब्लर करना है, कुछ और चीज़ करनी है, स्ट्रेच करना है, स्क्यू करना है, या ब्लर लगा दिया। खत्म हो रही बात या नहीं? हाँ जी, यहाँ से पाथ देंगे तो किसी पाथ के ऊपर अगर आपने इसको चलाना है या ट्रैक करवाना है तो वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से टेक्स्ट की सेटिंग्स हैं इसकी कि पर कैरेक्टर करे, पर अल्फाज करे, क्या करे, उस हिसाब से। क्लियर है? वो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है, बताएंगे वो भी बच्चे। क्लियर है अब्दुल गनी? हजम हुई बात बच्चे?
या नहीं आएंगे? वैसे सब आएंगे, इसलिए नहीं, असल में स्टेप बाय स्टेप और थोड़ा सा स्लो इसलिए लेके चला। देखो रमज़ान है, मैं करवाने को जिस तरह दो क्लासों में स्टार्ट में कराया था ना, ऐसे आज भी बोर्ड कुछ खींच सकता हूँ, लेकिन खींच सिर्फ इसलिए नहीं रहा हूँ कि ज़रा हालात तुम लोगों के बेहतर है। ठीक है ले ले बेटा, क्या कर रहे हैं एग्जाम में? छुट्टी कर रहे हो? पहले से बता देना भाई, तुम भी छुट्टी तो नहीं कर रहे हो कहीं? तो नहीं सारे करो तो मेरे पहले बता देना, मैं छुट्टी कर लूंगा, फिर मैं ही फिर नींद खराब करके नहीं आ रहा भाई। मैट पेंटिंग है, मैट पेंटिंग के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। सर मैं रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स अगर हो ना आपके पास तो फिर तो मसला कोई नहीं है। इसलिए बहरहाल मैं वैसे ही बताया था, फिर मैं असल में चाह रहा था कुछ इमेजेस मिल जाती मुझे ना, मैंने पाथ एनिमेशन बतानी थी कि आप किसी स्पेसिफिक पाथ के ऊपर कोई चीज किस तरह से एनिमेट कर सकते हैं।
फिश और मल्टीप्लाई, ठीक है जी, फिलहाल जुगाड़ कर दूंगा। एंकर पॉइंट को आप सेट कर दें कि आप कहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं। फिलहाल तो सेंटर ही रख रहा हूँ, ठीक है जी। पोजीशन में इसी इमेज को सिलेक्ट किया, नीचे वाली पेन टूल लूंगा, ठीक है। मास्क आया, मास्क के अंदर आऊंगा, मास्क पार्ट कंट्रोल एक्स, कट कर लेंगे इसको। इमेज पे आया, इसकी पोजीशन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, हाँ। बात किसी भी बेसिकली जो है ना, किसी भी इमेज के ऊपर, किसी भी लेयर के ऊपर बनाएंगे आप, ताकि वो मास्क बनेगा। अगर आप लेयर के ऊपर नहीं बनाएंगे और अगर आप वैसे बनाएंगे तो ये शेप बनाएगा, ये शेप है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, पाथ चाहिए, शेप में आएंगे अगर आप, शेप आपको यहाँ से उठाना पड़ेगा। लेकिन इससे बेहतर है कि आप इसको, कोई भी इमेज वगैरह कुछ भी लगा हुआ आपके पास, इसको सेलेक्ट करें और सीधा सीधा पाथ उठा के लगा दें। पहाड़ है कुछ है, ठीक है, इसमें आके चलेगी तो एक आप उसको कनेक्ट करवा सकते हैं। चलेंगे उसका ये कि एक को चला दिया, उस बाकी को पेरेंट कर दिया, कनेक्ट करवा दिया उसके पीछे। वो सिर्फ स्पेसिंग चेंज है, क्योंकि पोजीशन चेंज है कि पर गेट हो जाए। जैसे एक गाड़ी है ना, एक और ले लेते हैं, ये चाहे आप जितनी कनेक्ट करो, गनी क्लियर है, ठीक है। जब हम इस पर आए शेप पे और मास्क पे, तो मास्क की हवाले से कुछ बेसिक बात कर ही लेते हैं। मास्किंग इसमें भी दो तीन तरह की है, ठीक है ना। ये जो मास्क कहता है, ये लेयर मास्क वाली बात थी। ये जो मास्क कहता है ना, ये लेयर मास्क था, ठीक है। कोई भी इमेज है, देखें, चाहे शेप लेयर लें, चाहे पेन टूल लें, अगर कोई सेलेक्टेड लेयर है उस पर अगर आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बनाएगा, मास्क बनाएगा ये, ठीक है। अब देखेंगे आप ये मास्क क्या पास, बड़ा करना है, छोटा करना है, या पेन टूल लिया,
और अगर आप इस पे की लगा दें मास्क पाथ पे, यू कैन एनिमेट आसो। जैसे मैं आता हूँ इस पे, की लगाते हैं इस पे, पुराने क्लास नहीं लिया क्लियर है बात। इसकी एक और एग्जांपल भी दिखाता हूँ, यहाँ तक कुछ क्लियर हुई है? मास्क की, मास्क चलता रहेगा, मास्क के अंदर और भी फीचर्स हैं, जैसे मास्क में फेदर, ये ठीक है, हार्ड एज से सॉफ्ट एज कर दिया, मास्क ओपेसिटी, जो चीज मास्क में वो नजर आ रही है उसको क्या करना है, एक्सपेंशन, पाथ तो इतना बनाया है लेकिन उसका एक्सपेंशन क्या करना है, ठीक है, इन्वर्टेड ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट करना है, इंटरसेक्ट करना है, अगर पीछे कुछ और होगा तो उसके साथ इंटरसेक्ट करवाएगा, लाइटन है, डिफरेंस है, नन करेंगे तो कुछ भी नहीं करेगा ऐड। क्लियर है? मैं मास्क की चलो अब लिया है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दो चीज़ें चाहिए हमें इसके लिए। यहाँ आके मैंने लिया एक और सॉलिड, और इस पर आके हम लेंगे फोर कलर ग्रेडिएंट।
ठीक है जी, सॉलिड लेयर है ये, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। हमने सिर्फ कलर बनाने के लिए लिया था क्योंकि ये इस इमेज का हम कुछ नहीं कर सकते थे। इस पर आया मैं और इस पर डबल क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसको मास्क कर देगा। मास्क पाथ पे की लगा दी, फड्डा मैंने एक मारा और फड्डा मुझे नहीं है मारा कि मुझे यहाँ से दो चीज़ें उठानी पड़ेंगी। ये भी उठाऊंगा, ये भी सेलेक्ट करूँगा, कट करूँगा। सॉलिड की बजाय मुझे क्या चीज़ लेना पड़ेगा, कोई भी शेप, और शेप पे आकर अगर मैं ये चीज़ें प्रेस कर लूँगा शेप ले लो कोई भी, उस पर आके पेस्ट कर दिया मैंने। फड्डे पे फड्डा कर रहा है, नॉट एंकर पॉइंट टू। दिख क्यों नहीं रहा, अच्छा ओके माय मिस्टेक, स्ट्रोक ऑन होगा फिल ऑफ होगा। इसमें आपको डायरेक्ट पाथ को ही लगाना पड़ेगा,
अच्छा, इसमें आपको इसके इस पोर्शन को दोबारा मास्क करके इसको ऊपर लगाना होगा। जैसे मैं आता हूँ, या ग्लास को लिया मैंने, डुप्लीकेट किया ग्लास को, कंट्रोल डी शॉर्टकट की फॉर डुप्लीकेट, टिंग दी ग्लास और ये इसको ऊपर लगा दिया। क्योंकि ये ऑलरेडी पीएनजी थी इसलिए हमें ज़्यादा पंचायत की जरूरत नहीं करनी पड़ी। इसमें क्या हुआ, जितना अच्छे से आप इसको लेकर आओगे और जितने अच्छे इस पर कलर्स की सेटिंग मारेंगे आप, ठीक है ना, ठीक है। और ये इसको भी शायद हमें एनिमेट करना पड़ेगा इन टू, ताकि इसका जिस तरह से गेयर ड्रॉप हो रहा है उस हिसाब से उसका कलर भी जो है उसका जो है वो चेंज होता है जैसा सा, तो फिर ये कि कमी की चीज आ जाएगी, ठीक है। ग्लास से कुछ गिर रहा है, जग से गिर रहा है, किसी चीज़ से गिर रहा है, और तरह ही वही चीज़ अदा में फ्लाइट गई है। हाँ शहजादे, नहीं मास्किंग आपके पास ऐसी चीज़ है इससे बहुत कुछ कर सकते हो आप, जितना कुछ आप इसमें से चाहें कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि कुछ करेंगे तो फिर कुछ होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, कद्दू भी नहीं होगा। पाथ एनिमेशन की हम बात कर रहे थे, पाथ एनिमेशन की बात मैं दोबारा करता हूँ, शायद अगर उसमें कोई फड्डा रह गया हो तो वो क्लियर हो जाए। ये एक पात बनाया हमने, यहाँ के मैंने एक पॉइंट ऐड किया, फड्डे कर रहा है इसमें। मजबूरन बनाया मैंने ऐसा ना, मुझे चाहिए वही था कि मैं उसी शेप को बना के उसका पाथ खोलना था मुझे सिर्फ, और कुछ नहीं करना था। इसका फायदा ये होता है कि काम पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, ई शेप बनाया मैंने और इसके ऊपर आके मास्क कर दूंगा। तेल इंसान का बच्चा नहीं बना था, अब इंसान का बच्चा भी नहीं है जी। फिर
गया। नहीं इसमें नहीं है वो ऑप्शन, होगा उसी से होगा, शेप से होगा। चलो खैर, सॉलिड लेयर ही ली हुई मैंने इसकी, ऊपर आया मैं। मास्क, मास्क पाथ कट, और यहाँ आके आप कोई भी शेप बना दें, कुछ भी बना दें, इसकी पोजीशन पे आके टेस्ट कर। लेकिन पहले इसके एंकर पॉइंट को सीधा करना पड़ेगा। खैर मैं शेप रिफाइन करके बनाना चाह रहा था लेकिन उसका बन नहीं पा रहा, कुछ फड्डा मार रहा हूँ कहीं ना कहीं। क्लियर है यहाँ तक फड्डा या गया?